बालाघाट जिले के वारासिवनी से 3 बार कांग्रेस विधायक और 2018 के चुनाव में निर्दलीय जीतकर कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रदीप जायसवाल जी ने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन की है, सीएम हाउस में उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई है और अभी बाहर निकले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2020 से ही आप बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, लेकिन 3 साल का वक्त क्यों लग गया बीजेपी में आने में? देखिए, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैंने और जनता की टिकट पर जनता के वोट से चुनाव जीता था, इसलिए मेरा ये था कि मैंने समर्थन सरकार को दिया था, सरकार के बदले मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा था। तो मेरा ये लगा कि जनता ने मुझे निर्दलीय बनाई है, 5 साल जनता को वादा किया था कि आखिरी एक आचार्य संहिता लगने के पहले तक जो बड़े से बड़ा काम होगा, हमने बड़े से बड़ा काम 7 बड़े पुल, सड़कें, इंडोर स्टेडियम, गार्डन, हर चीज़ बन गया पूरा। तो अंतिम समय तक जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताई थी, तो अंतिम समय तक मैं निर्दलीय रहकर मैंने काम किया हूँ। अब नया चुनाव चालू हो रहा है, इस नए चुनाव में एक नई रणनीति के तहत और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैंने अब नया चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ने का मैंने फैसला किया। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है और क्या बीजेपी से आपकी बात हुई? वारासिवनी से ही लड़ेंगे या और नहीं, किसी अपना क्षेत्र वारासिवनी खल्लान जी क्षेत्र ही है, बाहर से लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा पारिवारिक रिश्ता जनता के साथ जो रहा है उसका हम तोड़ नहीं सकते। चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हो सकता और उस रिश्ते के कारण ही मैंने नई सरकार को समर्थन दिया। सर, एक सवाल और पूछूंगा, ये जो आपके घर के सामने बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, ये दर्जा प्राप्त शब्द हटेगा, अगली सरकार में क्या भूमिका होगी? देखिए, अभी तक तो मेरा जो अनुभव रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेरी पीछा की, मैं मेरे को नहीं मिला। 1200 क्षेत्र में कांग्रेस को जिले में मैंने स्थापित किया और मैंने कांग्रेस से कभी 2 रुपये नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ जो किया उसके बदले मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, दर्जा हट जाएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये हैं प्रदीप जायसवाल जी, बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनका पूरा यकीन है, भरोसा है कि इस बार न सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी बल्कि वो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।